तो गाइज ये सब फोटो इंस्टाग्राम के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि मुझे रहा नहीं गया, मैंने ढूंढते ढूंढते काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद मैंने ढूंढ लिया कि इसको कैसे एडिट करना है, ठीक है। एंड मैं आप लोग को और भी पिक दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं ये सब पिक कितना धासु दिख रहा है और कैसे मैंने इसको 4K यानी 8K में कन्वर्ट कर दिया है। मैं आप लोग को बताऊँगा कैसे इतना ज़्यादा HDR किया जाता है और बैकग्राउंड से लेकर पंख से लेकर हर एक चीज़ बताऊँगा। और कपड़ा का मतलब देख सकते हैं चमक भी कितना ज़्यादा हार्ड है। सब कुछ बताने से पहले एक चीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। और ये पिक जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड किया तो एक घंटे में गाइस देख सकते हैं 2000+ लाइक आ चुका है। और यहाँ पे कमेंट में आप लोग को दिखाऊँ तो इतना सारा कमेंट आ चुका है, बस इसका ट्यूटोरियल चाहिए, इसका ट्यूटोरियल चाहिए, ठीक है। तो फाइनली मैं ट्यूटोरियल ला के दे दिया आप लोगों को, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा, थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा। A to Z बताऊँगा गाइस, थोड़ा सा भी मिस नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से यहाँ और यहाँ और फिर यहाँ, ठीक है गाइस। तो लास्ट तक देखते रहिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। चलिए गाइस आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हे गाइस, तो देख सकते हैं ओरिजिनल फोटो मेरा यही है। आप लोग पोज वगैरह एंड स्किन का टोन वगैरह देख सकते हैं कितना ज़्यादा बेकार है, ठीक है। सब कुछ मैं इसके अंदर सुधार रहा हूँ, बस आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक वॉचिंग करना है अगर जो मेरी तरह एडिटिंग करना है तो, ठीक है। तो इसको सेंड करते हैं सबसे पहले Lightroom एप्लीकेशन के अंदर, और थोड़ा सा भी आप लोग को मिस नहीं करना है कोई भी स्टेप को, ठीक है मेरे भाई। आप लोग के लिए मैं बोलता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके एक वीडियो बनाता हूँ। तो देख सकते हैं मेरा पिक जो है Lightroom एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो चुका है, और बिल्कुल आराम से बताऊँगा ताकि यार आप लोग समझ पाएँ, क्योंकि मैं हर एक एडिटर का फीलिंग समझ सकता हूँ कि क्या समझाऊंगा तो कौन क्या समझेगा, इसीलिए सबको बिल्कुल आराम से बताता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस अपना पिक जो है Lightroom एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो चुका है। अब क्या करना है, डायरेक्टली आप लोग को एडिट के अंदर आना है, और एडिट के अंदर आने के बाद कलर वगैरह और लाइटिंग वगैरह इफेक्ट वगैरह इनमें से कौन सा आप लोग को सबसे पहले वर्क करना है ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग को कलर के अंदर डायरेक्टली आ जाना है, ठीक है। आते ही आप लोग को मिक्स टूल का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, देख सकते हैं। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे गाइस। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले अपने फेस कलर टोन को सही करते हैं, तो फेस कलर टोन हमारा यह है 2nd नंबर, ठीक है। इसके अंदर आते हैं और इसका सिचुएशन जो है कम करेंगे लगभग 20%। इतना कम करने के बाद सिचुएशन बिल्कुल हाई करेंगे लगभग 30 के अराउंड, ठीक है। अब फेस हमारा सही हो चुका है। देन आते हैं ग्रीन वाले कलर के अंदर, और ग्रीन वाले कलर का बैकग्राउंड देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, और ये पोस्ट जैसे ही मैं डाला हूँ देख सकते हैं गाइस कमेंट का कमेंट मतलब लाइन लग चुका है, कमेंट ही पे कमेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। तो देख सकते हैं ग्रीन जो है इसको क्या करेंगे, पूरा येलो कर देंगे, ठीक है। येलो जैसे ही करेंगे, पूरा येलो नहीं करना है, हल्का सा मतलब कमी रखना है, 80% तक ले जाना है, ठीक है गाइस। और इसका सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक 50 तक कर देना है, ठीक है। एंड येलो के अंदर आते हैं और इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्रीन के साइड ले जाएंगे 30 के अराउंड, ठीक है गाइस। और सिचुएशन हल्का सा कम करेंगे, लगभग 100% कर दीजिएगा गाइस सिचुएशन माइनस, ठीक है। और थोड़ा सा इसको लाइट दे देंगे, ठीक है गाइस। और ये वाला कलर जो है थोड़ा सा और हम इसको ग्रीन करने की कोशिश करेंगे। इसको देखिए गाइस, ये ग्रीन के अंदर आने के बाद ह्यू को 60% रखना है माइनस, और सिचुएशन को पूरा मतलब आधा बढ़ा देना है यानी 50% कर देना है, ठीक है गाइस। तो हमारा बैकग्राउंड देख सकते हैं कितना अच्छा कलर टोन में आ चुका है। देन इतना होते ही डन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर दे देना है हल्का सा 1 या 2, और 3 को देख सकते हैं मतलब क्या देंगे तो सही रहेगा। तो 3 को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, प्लस में रखेंगे तो बेटर रिजल्ट देगा। और ये जो वाइब्रेंस है इसको लगभग 20 के अराउंड रख देंगे, ठीक है, ताकि हमारे इमेज में जो भी कलर की कमी हो उसको ये पूरा कर दे। और आते हैं ये जींस वाला जो कलर है हमारा, इसको थोड़ा सा मतलब क्लोज करते हैं, मतलब ख़त्म करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, तो इसको -40 कर देंगे, ठीक है गाइस। एंड इतना होते ही आना है लाइट के अंदर, लाइट के अंदर आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे शेडो को बढ़ा देंगे 40%, ठीक है, ताकि हमारा ब्लैकनेस जो है फेस का गायब हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दे देंगे ताकि डार्क हो जाए, और थोड़ा सा ब्लैक को माइनस। देन इतना होते ही इफेक्ट के अंदर आके और क्लियरिटी को थोड़ा सा माइनस करेंगे लगभग 10% ही करना है, और टेक्सचर को थोड़ा दे देंगे, बढ़ा देंगे, और डेज को थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि डार्क हो जाए, ठीक है। देख सकते हैं मैं कितना क्या बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए गाइस क्या करना है, कलर के अंदर फिर से आके ग्रेडिंग के अंदर थोड़ा सा ध्यान दे देना है यहाँ पे, और इसको क्या करेंगे हल्का सा ये नीचे की तरफ पर्पल टोन दे देंगे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा माइनस कर देंगे। देन इतना होते ही ये बीच वाला कलर के अंदर आके और इसको क्या करेंगे थोड़ा सा हमें टोन दे देना है ये वाला,
हमारे फेस कलर टोन, ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। एंड आते हैं तीसरे नंबर में, ये हाईलाइट है, ठीक है, जो भी हमारे इमेज में हाईलाइट दिख रहा है उसको हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। तो मुझे ये सही लगेगा, ठीक है, स्काई टोन, तो हाईलाइट हमारा स्काई है तो इसको को छेड़ेंगे। इतना होते ही गाइस थोड़ा सा टेम्परेचर और दे देंगे, दे दिए, देन इतना होता है इमेज देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर हमारा कलर ग्रेडिंग हो चुका है। अब क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के जस्ट बाद यहाँ पे मैं प्रेसेट का भी यूज़ कर सकता था, बट मैं आप लोगों को सिखाने के मकसद से आया हूँ कि कुछ नया सिखा पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेव कॉपी टू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे तो अपने इमेज गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। अब आगे का प्रोसेस देखने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है गाइस। तो चलिए अब देखिए अपना इमेज गैलरी के अंदर सेव हो चुका है और पहला स्टेप जो है हमारा खत्म हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि बिल्कुल आराम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं गैलरी के अंदर और हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, अभी हमें यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस बता रहा हूँ। अब इसको क्या करेंगे, सेंड करेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, पिक्सआर्ट के अंदर सेंड कर देते हैं। सेंड करने के जस्ट बाद अपना इंस्टाग्राम साइज इसको सही कर लेंगे, ठीक है। तो नीचे की तरफ क्रॉप का ऑप्शन देगा, इंस्टाग्राम साइज यहाँ से कैसे बनाया जाता है, क्रॉप यहाँ पे फर्स्ट नंबर में जो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है गाइस। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आप लोग को मिलेगा प्रोटेक्ट का ऑप्शन, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और ये अच्छे से अपने एडजस्ट कर लेना हमें कितना चाहिए। एंड मुझे इतना ही चाहिए। एंड जैसे मैं क्रॉप करूँगा उसके बाद से मैं क्या करूँगा, टूल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इमेज को रिसाइज कर लेंगे ताकि हमारा इमेज जो है क्वालिटी डाउन ना हो। एंड ये रहा रिसाइज का ऑप्शन, टूल्स पे क्लिक करने के जस्ट बाद आप लोगों को नीचे से तीन नंबर पे यहाँ पे मतलब दिखाई देगा। तो ये रहा और यहाँ पे देख सकते हैं मैं 5000 लिखता हूँ तो अपनी इमेज का लास्ट मेगा पिक्सल देखते हैं कितना आता है, 3098 ही आएगा, प्रोटेक्ट में इतना ही आता है, 3098 करके रिसाइज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी फेस को स्मूथ नहीं किया है तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क होता है फेस को स्मूथ करना, तो वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उससे पहले देख सकते हैं यहाँ पे ऐड वगैरह कर देते हैं PNG वगैरह, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने लिप्स को थोड़ा सा रेड करते हैं ताकि यार हमारा लिप्स जो है अट्रैक्टिव दिखाई दे हमारा फेस। तो नीचे की तरफ आप लोग को रिटच का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो आप लोग को मिलेगा हेयर कलर का ऑप्शन गाइस, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग को फर्स्ट में पूरा कलर का सिस्टम मिल जाएगा। इसको हैंग नहीं करना है, बस खोल देना है, खोलने के बाद रेड कलर को सिलेक्ट कर लेना है। थोड़ा सा मुझे पिंक चाहिए, पिंक को सिलेक्ट करके राइट आइकन पर क्लिक कर देंगे तो हेयर ऑटोमेटिक कलर हो जाएगा। तो इसको हमें कट करने के लिए यहाँ पर बैक का एरो है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। अब मैनुअल पे क्लिक करके नीचे वाला लिप जो है रेड कर देंगे और सिचुएशन को 100% अमाउंट अपने हिसाब से 20 के अराउंड कर देंगे। और लिप्स रेड करने आइएगा तो थोड़ा सा क्वालिटी लॉस दिखाई देगा, बस दिखाई देता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सेव करेंगे तो क्वालिटी दिखने लगेगा, ठीक है। देन इतना होता ही राइट आइकन पर क्लिक करके सेव कर देंगे, ठीक है गाइस। अब देखिए राइट आइकन पर क्लिक कर देंगे और थोड़ा सा मैं अपने हेयर को सही कर देता हूँ। टूल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर स्ट्रेक्स का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता जा रहा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, तो साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा के अपने हेयर को थोड़ा सा सही कर लेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ ऊपर की तरफ उठा देंगे थोड़ा सा, तो उठ गया। एंड राइट आइकन पे क्लिक कर देंगे, बिफोर एंड आफ्टर मैं आप लोग को दिखा दूँ, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, नहीं दिखेगा अभी ठीक से। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे स्टिकर के अंदर आके यहाँ पे बर्ड सर्च करना है, BIRD बर्ड सर्च करेंगे तो यहाँ पे कई सारा बर्ड आप लोग को देखने को मिलेगा। उसी के साथ मैं आप लोग को शायद विंग्स का भी मतलब विंग्स भी दिखाई दे दे, यानी पंख भी दिखाई दे दे, तो मैं यहीं कहीं से लगाया था, मैं आप लोग बता रहा हूँ। ये रहा पंख गाइस, तो इस वाले पंख को हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले पंख को ऐड कर देते हैं, तो इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे और इसको क्या करेंगे फ्लिप रोटेट कर देंगे, ठीक है। तो फ्लिप रोटेट नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा फ्लिप रोटेट का, ये रहा, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको इधर की तरफ घुमा देंगे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं चौड़ा कर देता हूँ, नीचे की तरफ लंबा कर देता हूँ और थोड़ा सा इसका ऑप्सिटी डाउन कर लूँगा इसको अच्छे से एडजस्ट करने के लिए अपने बॉडी के उस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इतना पे करना है, एंड हो गया। और इसको कैसे क्या एडजस्ट करना है मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसको इरेजर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इरेजर पे ऊपर की तरफ क्लिक जैसे ही करेंगे और नीचे की तरफ आप लोग इन्वर्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो बॉडी के ऊपर का मिटाने से बढ़िया है सीधा हम लोग बैकग्राउंड में उसको ला दें, ठीक है। तो इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रेस्टोर पे क्लिक कर देना है, रेस्टोर पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसका हार्डनेस पूरा 100% कर देंगे, ठीक है। और जहाँ जहाँ हमें पार्ट चाहिए मतलब अपने विंग्स का उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे,
तो देख सकते हैं मैं किस टाइप से ऐड कर रहा हूँ, कितना फास्ट। और आप लोगों को फास्ट नहीं करना है, मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। और बस मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम दिया कीजिए ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ और आप मेरा एडिटिंग अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। क्योंकि शायद ही मेरे से बेटर कोई समझाता होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं अच्छे से समझाता हूँ कि नहीं एडिटिंग को, क्योंकि मैं सिखाने के मकसद से ही आता हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यूट्यूब पर आने का, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं और इधर की तरफ आते हैं। अच्छे से मेरा से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अच्छे से यहाँ पे ऐड कीजिएगा, आप लोग की आंखों के सामने ही मैं कर रहा हूँ जितना भी किया था सब कुछ। मैं अभी आप लोग को अल्ट्रा HDR भी करके दिखाऊंगा, जो कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो होने के लिए। तो थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से कर दूँ। तो गाइज देख सकते हैं अच्छे से हमारे बॉडी के उस साइड हमारा विंग्स जो है ऐड हो चुका है। एंड राइट के आइकन पर थोड़ा सा एक बार क्लिक करके इसको आप सोटी 100% कर देंगे, लगभग मैं इसको 90% रखूँगा, ठीक है। इतना होते ही क्या करना है, विंग्स हमारा ऐड हो चुका है, राइट के आइकन पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से मैं ऐड कर दिया हूँ आप लोग के आंखों के सामने। देन यहाँ पे मैंने एक पैरट को बैठा रखा था, तो उसको मैं ऐड करूँगा। स्टिकर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे गाइस सर्च कर देंगे PARROT, ठीक है, पैरट। देन सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कई सारा पैरट का मतलब PNG आ जाएगा। तो मैं कौन सा यूज़ किया था उसको ही मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ और मैं ये वाला यूज़ किया था गाइस, ये वाला, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के जस्ट बाद इसको फ्लिप रोटेट करके इधर की तरफ घुमा देंगे, ठीक है। इधर की तरफ घूम गया, मैं हाथों से भी घुमा सकते हैं। इसको अच्छे से यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, बैठ गया हमारे हैंड के ऊपर। देन राइट के आइकन पे क्लिक करके सेव कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा सनलाइट यूज़ किया था तो उसको भी यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद से मैं बता रहा हूँ कलर ग्रेडिंग एक बार और थोड़ा सा HDR करने के लिए 1 मिनट का टाइम लगेगा, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसको क्या करेंगे, स्टिकर के अंदर आके यहाँ पे लिखेंगे सनलाइट। सनलाइट जैसे ही सर्च करेंगे गाइस तो यहाँ पे कई सारा PNG देखने को मिलेगा। तो नीचे की तरफ आना है और ये वाला गोल्डन लाइट आप लोगों को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका ब्लेंडिंग मोड जो है नीचे की तरफ ब्लेंड लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके इसको स्क्रीन कर देंगे और इसको लंबा करके एक यहाँ पर लगाएंगे और इसका डुप्लीकेट पार्ट करेंगे। अब ये कहाँ से किया जाता है ये भी बता दूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट लिखा होगा तो इसका दो पार्ट बन जाएगा। यहाँ पे एक ऐड करेंगे, एक और डुप्लीकेट पार्ट कर देंगे, इसको नीचे की तरफ यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा इसका ऑपेसिटी कम करते जाएंगे। देन इतना होता ही राइट के आइकन पे क्लिक कर देना गाइस और हमारा इतना तक तो कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, ड्रॉ टूल का ऑप्शन मिलेगा, 3 डॉट पर क्लिक करके सेव इमेज पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इतना तक हो गया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इसको हाई HDR कैसे करेंगे। देख सकते हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इतना तक हमारा इमेज लेके जाना है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इतना तक कैसे करना है, अभी तक हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है आप लोगों को, फेस स्मूथ करना आप लोगों का काम है, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है क्रिया CREA क्रिया AI, ठीक है। AI सर्च कर देंगे तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर वेबसाइट आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब कुछ मैं आप लोगों को लॉगिन करके ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। और बहुत लोगों में ये चीज़ वर्क नहीं कर रहा है, तो सब कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे वर्क करेगा और कैसे अपना इमेज बेकार कर देता है उसको भी कैसे सही करना है, ठीक है। तो लास्ट तक देखते रहिए। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गाइस कैसे लॉगिन करना है। तो यहाँ पे कोने में जो ऑप्शन है इसको मैं लॉगिन करके रखा हूँ, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सिंग आउट कर देता हूँ। तो आउट हो चुका है, अब मैं इसको दोबारा से लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। साइनअप पे क्लिक करेंगे कोने में और यहाँ पे गूगल पे क्लिक करके कोई भी अपने गूगल अकाउंट को क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एक अकाउंट पे क्लिक कर देना है और इसको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो मैं लॉगिन कर लिया अपने गूगल वाला ऑप्शन पर क्लिक करके, ठीक है। और देखिए कैसे मैं इसको यूज़ करता हूँ, बहुत लोगों में हो नहीं रहा है और फेस भी बेकार कर दे रहा है, उसको भी मैं सही करना बताऊँगा। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर में जो लिखा है इनहेंस का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इनहेंसर लिखा हुआ है, सिंपली इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है गाइस नेट स्लो होने की वजह से। ऊपर की तरफ प्रोसेसिंग में है,
थोड़ा सा वेट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आईडी लॉगिन हो चुका है। अब सेकंड इन्हेंसर वाला ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ड्रैग ड्रॉप लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके अपने उस इमेज को क्लिक कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे जो अभी हम लोगों ने पिक्सआर्ट से निकाला है, ठीक है, जिसको हम लोगों को इन्हेंसर करना है, ठीक है। तो इन्हेंस करना है, अब इसके ऊपर क्लिक करके डन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, अब बहुत लोगों में क्या प्रॉब्लम आ रहा है मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, नेट स्लो ही का जरूरत है, ज़्यादा फास्ट आएगा तो पता नहीं क्या क्या लिखने लग रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अपलोड हो रहा है गाइस। तो देखिए गाइस, यही प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ रहा होगा, मुझे मालूम है ये चीज़ आप लोगों को मतलब बार बार आ जा रहा होगा, ठीक है। तो आप लोगों को हार नहीं मानना, फिर से इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर इसको इसको बार बार ऐड करना है जब तक ये सही ना हो जाए। जैसे ही गाइस अपलोड हो जाए तो यहाँ पे आप लोग को लिख देगा, मतलब जितना कुछ इसके अंदर इमेज के अंदर होगा वो चीज़ यहाँ पे लिख देगा ऑटोमेटिक, ठीक है। वो चीज़ अपने पास से नहीं लिखा जाता है। तो एक बार और ट्राई करते हैं, अभी भी फेल्ड हो गया। तो गाइस फाइनली ऐड हो चुका है। अब ऐड कैसे हुआ ये मैं आप लोग को बता दूँ, क्योंकि आप लोग के आंखों के सामने ही बार बार फेल्ड हो रहा था, तो मैं बता रहा हूँ कैसे ऐड हुआ। इसको कट करते हैं। ये जो मैं पिक्सआर्ट के अंदर से लाया था अपना इमेज, यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्वालिटी था गाइस 7 MB, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको ऑटोडेस्क के अंदर ऐड करके थोड़ा सा मैं छेड़छाड़ कर दिया, मतलब इधर उधर स्मूथ करके, और इसको सेव कर लिया, तो इसका MB मतलब कन्वर्ट हो चुका है 15 MB, ठीक है। और ये जो वेबसाइट है ये ज़्यादा MB ढूंढ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ऑटोडेस्क वाला इसके अंदर ऐड किया, फटाक से इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे एक्सेप्ट कर लेगा तो जो जो इसके अंदर अपने इमेज के अंदर दिखाई देगा, जितना भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो चीज़ सारा कुछ यहाँ पे इंग्लिश में लिख देगा, ठीक है। ये कुछ अपने पास से नहीं लिखा जाता है। और थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ स्लाइड करूँगा तो यहाँ पे आप लोगों को 16x का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और कुछ भी आप लोगों को नीचे की तरफ छेड़ना नहीं है, इनहेंस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखिए नीचे की तरफ इनहेंस हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेट कर लेते हैं। उसके बाद से मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमारा फेस भी गड़बड़ कर दे रहा है, ठीक है। तो उसको भी फेस को भी कैसे सही करना है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि ये इनहेंसिंग में प्रोसेसिंग में फंसा हुआ है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं आ जाए। तब तक वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख सकते हैं गाइस एक वीडियो बनाने में कितना ज़्यादा मेहनत लगता है, मैं तब से परेशान था। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी इमेज क्रिया AI के अंदर डालने से पहले MB उसका बढ़ा लीजिएगा ऑटोडेस्क के अंदर जाके, ठीक है। समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे इनहेंस भी नीचे की तरफ देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक कर दिए तो देख सकते हैं गाइस हमारा फेस जो है कितना ज़्यादा बेकार कर दिया, ठीक है। तो इसको कैसे सही करना है और मैं आप लोग को बता रहा हूँ कैसे सही करना है। तो फिलहाल में इसको पूरा मतलब कंप्लीट हो जाए प्रोसेसिंग, अब देख सकते हैं गाइस हो चुका है। अब यहाँ पे कोने में एक ऑप्शन है डाउनलोड का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया गाइस, इसको डाउनलोड कर दिया। तो गाइस अपना इमेज इन्हेंस होके आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा बेकार कर दिया, फेस लग ही नहीं रहा है मैं हूँ, ठीक है। तो इसको सेंड करेंगे कहाँ पे, स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। देखिए फेस को कैसे सही किया जाएगा, स्नैपसीड के अंदर सही मतलब ऐड करने के जस्ट बाद नीचे की तरफ टूल्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो डबल एक्सपोजर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे ऐड फोटो का ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो हम लोगों ने पिक्सआर्ट के अंदर से निकाला था अपना इमेज, यहाँ पे पिक्सआर्ट के अंदर जाते हैं और इस इमेज को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये जो गोल सा आप लोगों को नीचे की तरफ बिंदु सा दिख रहा है, ये ऑप्सिटी का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये रहा नीचे की तरफ देख सकते हैं, इसको 100% कर देंगे और राइट आइकन पे क्लिक करके सेव कर देंगे, ठीक है। अब देखिए गाइस क्या करना है, यहाँ पे व्यू एडिट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ
एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग गाइस।